उत्पत्ति अध्याय 47। उत्पत्ति अध्याय 47। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और अपने भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सन्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सन्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नाम देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिया कर उनका पालन पोषण करने लगा और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था सबको यूसुफ ने उस अन्न की संती जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया चुक गया तब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाए? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनकी संति तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों की संति खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं की संति भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यो कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न सकेंगे कि हमारा रुपया चुक गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ पहुंचे हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़ कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की संति मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए बरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई और
एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया, पर याजकों की भूमि तो उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहां बीज है, इसे भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना, बाकी चार अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के और लोगों के समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। सो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमांश फिरौन को मिला करे। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई और इसराइली मिस्र के गोशेन देश में रहने लगे और वहां की भूमि को अपने वश में कर लिया और फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इसराइल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा करके और सच्चाई का यह काम करूंगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूंगा। जब तू अपने बाप दादों के संग सो जाएगा तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूंगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई। तब इसराइल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाया।